और एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान लैंड हो चुका है। झालामण चौराहे पर उनका स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद पहले से सुबह से ही जोधपुर में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। राकेश, प्रधानमंत्री का विमान जोधपुर लैंड कर चुका है, क्या अपडेट्स? कितनी देर में एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और उनका कारकेड कहां तक जाने वाला है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज जोधपुर का दौरा है वो काफी समय बाद हुआ है। निश्चित रूप से तो उनके आगमन को लेकर जोधपुर में पूरा उत्साह है और राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि है। इस समय वो एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है ऐसे में कि पश्चिम में कमांड के जो सेना के अधिकारी हैं उनसे वो वार्तालाप कर रहे हैं एयरपोर्ट पर ही, क्योंकि वायुसेना के विशेष एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हुआ तो वहां पर वायुसेना के अधिकारियों से और जो थलसेना के अधिकारियों से पश्चिम कमांड है उनके अधिकारियों से वो अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि सेना की दृष्टिकोण से भी जोधपुर, सामरिक दृष्टिकोण से भी जोधपुर काफी महत्वपूर्ण है। तो अधिकारियों के साथ इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चर्चा कर रहे हैं और वहां से कुछ देर बाद जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही पल बाद जो है एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री भी राजस्थान हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगे। रास्ते में जहां जगह जगह जो है भीड़ उमड़ रही है, उनके स्वागत को आतुर है, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरीके से सुरक्षा का कार्य है तो ऐसे में उनके रुकने की संभावनाएं रास्ते में कम है, लेकिन भीड़ उनके स्वागत के लिए लगातार उमड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समय सामरिक दृष्टि के जोधपुर बात महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में सेना के अधिकारियों से जो है प्रधानमंत्री जो है अपडेट ले रहे हैं और सेना के अधिकारियों से जो है सैन्य एयरपोर्ट पर जो है उनसे चर्चा की जा रही है और उस सैन्य अधिकारी चर्चा के बाद प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी रखी गई है? कार्यक्रम में किस तरह से शुरुआत होगी, आगाज होने के बाद किस तरह से आगे का पूरा प्रोग्राम चलने वाला है और प्रधानमंत्री की भूमिका, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या रहने वाली है? कार्यक्रम की जहां तक बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनियम जुबली समापन समारोह है जो एक साल से चल रहा था, आज उसका समापन समारोह जो आयोजित किया जा रहा है। तो समापन समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश संजीव खन्ना जो है वो हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है पंकज मित्तल, जॉर्ज अगस्टिन, उनके साथ संदीप मेहता भी राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी कार्यक्रम के रूपरेखा की हम बात करें तो कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के बाद दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में उनका उद्बोधन भी होगा, लेकिन उससे पहले जो राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं उनका उद्बोधन होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा राजस्थान के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है एमएम श्रीवास्तव वो सभी अतिथियों की अगवानी कर रहे हैं और उनकी अगवानी के बाद जो है निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद दीप प्रज्वलन और दीप प्रज्वलन के बाद समारोह की विधिवत रूप से जो है वो शुरुआत होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण पल है, 75 साल राजस्थान हाईकोर्ट को पूरे हो गए, तो ऐसे में समापन समारोह है, उसमें समापन समारोह के मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शिरकत करें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।